फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ एक बहुत सक्सेसफुल क्रो की, जो स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी, जिसका नाम है द थर्स्टी क्रो, जिसमें कौवे को बहुत प्यास लगी होती है और उसको एक मटका दिखता है जिसमें पानी बहुत गहराई पर होता है, जहां तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाता और वो सोचता है कि पत्थर डाल के छोटे छोटे पेबल्स मटके में डालकर पानी ऊपर आ जाएगा और उसे पी लूंगा। और वैसे ही वो करता है, छोटे छोटे पत्थर मटके में डालता है, पानी ऊपर आता है और वो पी के चला जाता है। इस स्टोरी में हमने जो सुना वो इतना था कि उसको पानी मिला, उसने पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, मटके में से उसने पी के चला गया। लेकिन क्या उसको इतनी आसानी से ये पता लग गया कि इसमें पत्थर डालने से पानी ऊपर आ जाएगा? क्या उसको पता लग गया था कि उसको एक्शन क्या लेना है? क्या उसको वो पत्थर आसानी से आसपास मिल गए थे? क्या उसको सेम साइज के पत्थर जो मटके के नेक में से अंदर जा पाए उसको मिल गए थे? इस स्टोरी में आपकी लाइफ को रिलेट करना चाहता हूं कि उस कौवे की तरह आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपको अपना आपका जो गोल है, जैसे कि उसका पानी पीना था, उसको अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेना है। जैसे उसको पता लगा कि किस साइज के पत्थर उसने मटके में डालने हैं, आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी स्किल्स आपको यूज करनी है अपने गोल की तरफ। उसको आसानी से मटके के पास पत्थर पड़े नहीं मिले थे, उसने दूर दूर से पत्थर इकट्ठे किए सेम साइज के। आपको भी आसानी से आपकी स्किल्स का पता नहीं लग पाएगा जो आपके गोल्स के लिए जरूरी है। आपको भी नई स्किल्स ढूंढनी पड़ेंगी। उस कौवे ने भी दूर दूर से पत्थर इकट्ठे किए, आपको भी नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी अपने गोल के लिए। उसका जो मटका था, उस मटके में जो पानी था, वो एक मिनट में ऊपर नहीं आ गया था। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पत्थर डालने पड़े उस मटके में पानी को पड़ाने के लिए। आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। जिस मोमेंट पर आधा मटका भर गया था पत्थरों से, पानी फिर भी ऊपर नहीं आ पाया था, उस मोमेंट पर उस कौवे ने जैसे हिम्मत नहीं आ रही, आपने भी जिस मोमेंट पर आपके गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे, गोल से पीछे नहीं हटना, आपने फिर भी कोशिश करनी है, जैसे उस कौवे ने, एंड तक जब तक पानी पूरा ऊपर तक नहीं आ गया, अपना सपना, अपना गोल छोड़ा नहीं, आपने भी वैसे करना है। इस कौवे की स्टोरी से, इस थर्स्टी क्रो की स्टोरी से अपनी लाइफ को जरूर रिलेट कीजिए और इससे सीख लीजिए कि जैसे उस कौवे ने हार नहीं मानी, आपने भी हार नहीं मानी है। शेयर कीजिए मेरी ये वीडियो उनके साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोहित थापा साइनिंग ऑफ। एंड यस, हम सबको वो थर्स्टी क्रो बनना है, हम सबको वो प्यास जगानी है अपने गोल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोहित थापा साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।